हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है जिम की लाइफ। दोस्तों, आज बात करेंगे कि बाइसेप्स की एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए और क्या टेक्निक होनी चाहिए जिससे आपकी बाइसेप्स यूज हो, बड़े हो, शार्प हो और दिखने में आपकी जो आउटलुक है वो अच्छी लगे। तो दोस्तों, आपने जिम में बहुत बार बाइसेप्स की एक्सरसाइज की होगी, बट जो मैं टेक्निक आज बताने लगा हूँ वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगी और आपको लाभ होगा। तो आइए सीखते हैं एक्सरसाइज कैसे करनी है। बाइसेप्स की कोई भी एक्सरसाइज हो, आज मैं केबल क्रॉस पर आपको बारबेल कर लगाना सिखाऊंगा और उसकी जो टेक्निक है वो बताऊंगा। सबसे पहले आपने जो रोड है उसको बिल्कुल लास्ट एज से पकड़ना है। कितनी ओपन हो, जितने आपके शोल्डर ओपन है, जितने आपके शोल्डर वाइड है, ना क्लोज हो ना ज़्यादा वाइड हो। वाइड भी अगर पकड़ते हैं वो अलग टेक्निक है, अगर आप क्लोज में पकड़ते हैं बारबेल को तो वो अलग टेक्निक है। आज मैं नॉर्मल टेक्निक बताऊंगा। तो आपने पहले तो सीधे खड़े रहना है और आर्म स्ट्रेट और पूरा कर्ल करना है। ये ना वो आर्म आपकी आगे को चले जाए, आर्म आपकी बिल्कुल बॉडी लाइन, लेटरल साइड की बॉडी लाइन है वहाँ एल्बो फिक्स रहनी चाहिए। अगर यहाँ एल्बो आपकी फिक्स नहीं है तो आपका पूरा प्रेशर बाइसेप्स पर नहीं पड़ेगा। अगर आप अपनी एल्बो को ऊपर आगे ले जाते हैं तो ये जो वेट जितना भी आप लिफ्ट कर रहे हैं वो सारा प्रेशर आपके शोल्डर पर पड़ेगा, आपके बाइसेप्स पर नहीं जाएगा। तो इससे आपका बाइसेप्स ग्रोथ नहीं होगा। सेकंड, जब भी आपने वेट लिफ्ट करना है, रॉड को पकड़ना है, चाहे आप फ्री वेट ओपन रॉड में लगाएं, चाहे केबल क्रॉस पर रॉड में बारबेल कर लगाएं, तो हमेशा ऑल द टाइम जो आपका रिस्ट है वो ऐसे होना चाहिए, अपवर्ड ऐसे लिफ्ट होना है। ऐसे लिफ्ट करेंगे तो सारा प्रेशर जो है वो बाइसेप्स पर पड़ेगा, ठीक है। बाइसेप्स अगर बाइसेप्स पर पड़ेगा वेट सारा। अगर आप अपना रिस्ट ऑल द टाइम ऐसे रिस्ट करके ऐसे वेट उठाएंगे तो सारा नेगेटिव प्रेशर आपके रिस्ट पर जाएगा और कुछ प्रेशर आपका फोरआर्म पर जाएगा। बाइसेप्स पर जो वेट है, जो प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ 50% ही जाएगा। ये दो टेक्निक्स होगी। तीसरी, अब ये बहुत सारे यूट्यूब पर जितने भी यूट्यूबर्स हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, वो हैवी वेट लगाने का वो रेकमेंड करते हैं कि हैवी वेट लगाने से आपका बाइसेप्स यूज होगा, बड़ा होगा। तो ये धारणा बहुत गलत है। पहले तो आप देखिए, अपने आप को समझिए, अपनी बॉडी को समझिए। क्या आप जिम जाते हुए 3 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हो चुके हैं, आप कितना हैवी वेट आप किसे समझते हैं? हैवी वेट अकॉर्डिंग टू वेट हैवी नहीं है। 100 kg भी हैवी है आपके लिए, 50 kg भी आपके लिए हैवी है और 30 kg भी आपके लिए हैवी है। वो हैवी क्यों है? क्या आपका माइंड, आपकी बॉडी आपस में कोऑर्डिनेशन है? क्या उस वेट को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या आप जितना भी आपकी बॉडी वेट उठा सकती है, जिसे आपकी बॉडी हैवी समझती है, उस हैवी वेट के क्या आप 8 repetition एक बॉडी लाइन में उठाते हैं? अगर आप हैवी उठाना चाहते हैं, आपके लिए 30 kg हैवी है, क्या आप सीधे खड़े होकर सारा प्रेशर आपके बाइसेप्स पर जाए, वो आपके लिए हैवी वेट नहीं है। अगर 50 किलो आप वेट उठा सकते हैं सीधे होकर, 8 रैप लगा सकते हैं, तो आप हैवी ट्रेनिंग कर सकते हैं। ऐसे ही 100 kg है। अगर आपके लिए 50 kg हैवी है तो आप ऐसे उठा रहे हैं और आपकी एल्बो भी ऊपर जा रही है, वो आप अपनी बॉडी को, अपनी स्पाइन को, अपने जॉइंट्स को इंजर कर रहे हैं। उससे बाइसेप्स अगर बन भी गए तो देखेंगे कुछ सालों में आपकी बॉडी के
जो दूसरे पार्ट्स हैं, स्पाइन है, वो कहीं ना कहीं इंजर्ड होगी और पेन होगी, उसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपने लॉन्ग टर्म गेम खेलनी है, दूसरे लोगों को, दूसरे बॉडी बिल्डर्स को जो ओलंपिया में पार्टिसिपेट करते हैं, मिस्टर ओलंपिया है या प्रो बॉडी बिल्डर्स हैं, उनको देखकर आप अपनी बॉडी को खराब मत करें। सो वेट उतना ही उठाएं, अच्छे कोच, अच्छे ट्रेनर की ट्रेनिंग लेकर अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर गाइडेंस ही वेट उठाएं। हैवी वेट से बॉडी बनती है, हैवी वेट उठाने के लिए साल दो साल पहले आपको तैयारी करनी पड़ती है, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ता है कि आपने हैवी ट्रेनिंग करनी है। सो मेरी गाइडेंस यही है कि आप पहले अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाएं, वेट मत बढ़ाएं, मिनिमम वेट से ही रेपिटेशन बढ़ाएं। कोई जरूरत नहीं है आप 10, 12, 15 रेपिटेशन लगाएं, 20, 25 रेपिटेशन लगाएं। अब ये गेम चेंज हो चुकी है, साइंटिफिक गेम है, 12, 15 रैप से कुछ नहीं होगा। आप स्टार्टिंग से ही वार्म अप सेट लगाएं 30-40, मैं मिनिमम 5 केजी से कोई भी एक्सरसाइज शुरू करनी है, 5 केजी से शुरू कीजिए, 30-40 रैप लगाएं, पूरा मसल को वार्म अप कर दें, ब्लड फ्लो मसल में जाए, जिससे आपकी बॉडी, आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा, बॉडी में एंड्रोफिन रिलीज हो जाएगा, डोपामाइन रिलीज हो जाएगा, जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट अप होगा और आप और ज़्यादा एक्टिव होकर वेट लगाएंगे। और फिर उसके बाद 10 केजी के 25 रैप लगाएं, फिर 15 केजी के 25 रैप लगाएं, फिर 20 केजी के 25 रैप नहीं लगते तो 15, 8, 7 रैप लगाएं। ऐसे 4 सेट हर एक्सरसाइज के लगाएं, नो लिमिट ऑफ रेपिटेशन। सो आपका हर मसल ऐसे ग्रो होगा। ये बेसिक और ग्रेट ट्रेनिंग टेक्निक है, तो इसे फॉलो कीजिए और बेनिफिट लीजिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक, एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, हैव अ गुड डे।